शिव महापुराण तो दिल की कथा, हृदय की, चित्त की, मन की, अपने आनंद की कथा है। और इस आनंद की कथा को आनंद से श्रवण करो। ना जाने मेरा भोले भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल बाबा, मेरा राज राजेश्वर, वो तो कहीं मेरे राज राजेश्वर की कृपा थी, नहीं तो अशोक नगर में कथा 26 तक भी नहीं मिल पाती। वो तो राज राजेश्वर पकड़कर बुला लिया, किसको सुनना था ये कथा का आनंद। वो तो उसकी कृपा थी, तो उसने पुकारा कि कथा सुनना है, यहाँ पर आओ और कथा का रास्ता। तो और जितनी मेरी माताएं बैठी है, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि अशोक नगर में कथा होने वाली। बोलो रीजी जो सही है कि गलत है, ये देख लो सबके हाथ हिल रहा है, विश्वास ही नहीं था कि कथा हो जाए। पर कहीं शिव की कृपा थी और आपका भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपकी उदारता, ये सुख उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बैठो जहां मर्जी पड़ जाए, वहां बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर लो और दिल से कहना उसको, वो दिल से देता है, दिल से। बस ये चित्त, ये मन, ये हृदय, ये वृत्ति उससे लगाना पड़ेगी। फिर निवेदन करूंगा, खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो चश्मा याद आता है, और मरते समय महादेव याद आता है कि अब मुझे जाना है। अंत समय आखिरी में हम उसे याद कर रहे हैं। अगर चश्मा बेग में होता तो कभी भी पढ़ने का काम आता तो पढ़ लेते, और अगर बत्ती सी निकाल के नी रखती और फिटी रेन देती मुंडा में, मुंह के अंदर, तो कभी भी कुछ भी खा सकते थे। और मेरे शंकर का नाम मरते समय नहीं, इस शरीर के चलते चलते अगर जपते रहते तो मरते समय टेंशन नहीं होता, आराम से, आराम से। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज जीवन के दो प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य दो प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे माँ बाप लेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहां जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य कड़ में जीता है, उसके बाद भी अकड़ में जीता है, मेरे बिगड़ पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता जा, मर ले, कठिन, बहुत कठिन। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं, जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए मालूम पड़े जीवन व्यस्तता का बंधन था, और मरे तो मरने के बाद अर्थी पर भी बंधन था। पूरी जिंदगी बंद बंद कर निकली है। अगर देखा जाए तो जिंदगी खुलकर हमने कहीं नहीं जी। अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपनी जिंदगी को खुलकर जी, खुलकर। मेरा अशोक नगर वालों से निवेदन है, आप अगर दिन में आकर कथा का रसतत्व यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आसपास के लोगों से और अशोक नगर वालों से निवेदन है कि रात्रि का एक बार आकर यहाँ का माहौल का आनंद लेना। 8-8, 10-10 हजार लोग रात्रि में दूर दूर से आकर इस पंडालों में जब सोते हैं और रात में भजन गाते हैं, उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता है, उसको देखने लायक। कभी मौका मिले अशोक नगर वालों,
अपनी पत्नी को और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना तो 7 दिन के लिए विचार कर कर जाना कि गाड़ी में बैठो और मंडी प्रांगण में जाना है। रात्रि को जितने भगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भगत यहाँ रात को 8-8, 10-10 हजार लोग रात भर रहते हैं, 8-10 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, सांसद महोदय आपको और आपकी कार्यकारिणी को, जो 10,000 आदमी को भी इतने प्रेम से चाय नाश्ता भोजन देता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब भोजन प्रसाद हो जाता। धन्यवाद। एक को भी चिल्लाकर नहीं, एक को भी कष्ट देकर नहीं, सबको प्रेम से। आप कहते हो कि गुरु जी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? यहाँ से मैसेज सीहोर जाता है ऑफिस में और वो मैसेज हमारे पास आता है तो हम पढ़ते हैं तो लोग लिख के भेजते हैं कि हमको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आज हमको भोजन में ये मिला। हम पूरे 2 दिन का भोजन भी बता सकते हैं कि आज ये खिलाया था, कल ये खिलाया था। एक एक चीज वहां जाकर सूचना पहुंच जाती है, इतना स्नेह। कभी रात को आकर दर्शन करो, सब भजन में लगे मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब अपना अपना जहां गादी लगी है, जहां पर कालीन बिछा है, वहां बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। सुबेरे उठे, जल्दी से उठकर तुरंत गए और जाने के बाद में स्नान वगैरह करा, शौचादि कर्म करके अपनी जगह पर बैठ गए। तुम तो बाद में आते हो, 1 बजे कथा चालू होती है तो 11-12 बजे आते हो। इनसे पूछो जो पूरी रात अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और सुबह से फिर जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनसे पूछो। और जो लेट आते हैं वो खसर 11 बजे आयो, 12 बजे आयो, और 11-12 बजे आके और 10 बजे आकर इतनी अकड़ दिखाना, मेरी जगह है, मैं कल यही बैठी थी। अब उसको थोड़ी ना मालूम वो रात को आई बिचारी गाड़ी से उतरी, उसने अपना बिस्तर बिछाया, बैठ गई आराम से और कथा सुनती रही। वो पूरी रात जगह संभालती है, सवेरे स्नान कर कर, कई बार तो भीड़ बड़ी हुई दिखती है तो खाने पीने बाहर भी नहीं जाती, अपने पति से कह देती चाय ला दो, मैं यही पी लूंगी, जगह संभाल, जगह संभाल। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणा। और ना कोई हम यहाँ पर कोई मंत्र दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना भभूति दे रहे हैं, ना सामान दे रहे हैं, यहाँ तो केवल एक है और वो श्री, जरा जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये मूल मंत्र का आनंद, शिव महापुराण का रस तत्व, शंकर को जानना है और हमारी जिंदगी का सर्वस्व मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस ये समर्पण। एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था रहनी का। रहनी एक बहन है और उसका भाई है रहु, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी। और रहनी के 2 बच्चे हैं और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन बन रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता, कब मिलेगा ये मौका अशोक नगर वालों को, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का सम्मान करने का, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का आदर करने का। यह मौका शंकर भगवान की कृपा से मिला है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो कहीं कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं फल बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद खिला रहे हैं, सबको धन्यवाद। प्रत्येक समाज को धन्यवाद है जो आगे बढ़ बढ़कर इन सेवक बनकर सेवा कर रहे हो। ये मौका नहीं मिलने वाला दुनिया में कभी भी। शिव भक्तों की सेवा, शंकर की सेवा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी आप कभी अमरनाथ जी जाएं तो अमरनाथ जी में जाके दर्शन करना, इतने भंडारे लगाते हैं लोग बाग, इतनी सेवा करते हैं। हमने कहा हम अमरनाथ जी के भंडारे तो नहीं देखे हैं पर शिव महापुराण के भंडारे तो हम गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हुए जाते हैं कि लोग कितनी सेवा में लगे रहते हैं, ये जरूर देखते।
रहनी को प्रसन्नता है कि मेरे मायके वाले इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन करने आ रहे हैं, रहनी की प्रसन्नता या आनंदता। एक बेटी का जीवन बड़ा आनंदित होता है, वो बड़ी खुश होती है। मायके का जब नाम आता है ना तो प्रत्येक बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। उसको कोई मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु उसके मायके का नाम आया और वो प्रसन्न हुई। उसके मंदिर में तुम जाते रहोगे, उसको प्रसन्नता बनी रहेगी, उसको आनंदता बनी रहेगी। अरे भगवान से रोज प्रार्थना करा करो, मेरे महादेव मेरे जन्म से पहले आने की सूचना 9 महीने पहले तूने दे दी कि मैं पैदा होने वाला हूं। जन्म की सूचना मेरा महादेव 9 महीने पहले दे देता है, तो महादेव से कहना जब जन्म की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार करना कि मरने की सूचना भी थोड़ी देर पहले दे देना तो मैं भजन कर लूंगा। बस इतनी कृपा कर देना। जब जन्म की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तैयारी करो, ये करो, वो करो, कपड़ा सिलो, बूढ़ी बूढ़ी माता बाकी पुंथरिया सिलती है, छोटा छोटा गदेली का कपड़ा फाट देती है, कम्बल को काट कुटा के छोटी छोटी गुड़हिया बना लेती है। पूछो बुजुर्ग बुजुर्ग माता से, आने की सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि ये आने वाला है। भगवान से कहना महादेव मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 2 दिन 15 दिन 20 दिन पहले दे देना कि मैं मरने वाला हूं। पर ऐसा होता है क्या? आने की सूचना मिल जाती है पर जाने की सूचना नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से करा था कि गुरुजी भजन कब करना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा मरने के 5 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मरने के 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पहले। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने का समय ये है तो उससे 1 मिनट पहले भजन करें। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब मालूम ही नहीं तो फिर रोज हर पल हर घड़ी हर क्षण जपते रहो, कब मर जाए क्या पता, इसलिए यही समझो कि कब मरने वाले हो, जपो भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जीवन का कोई भरोसा, कोई भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा। इस जीवन का कोई भरोसा, इसलिए उससे निवेदन कर हे शंभु हे शंभु हे तेरी कृपा चाहिए। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। महाराज ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना, आज है कल नहीं है, इसलिए हर पल हर क्षण हर घड़ी भगवान का भजन करते जो समय मिल जाए। ये शरीर भगवान ने बड़ा सोच समझ कर दिया है, बड़ा विचार कर दिया है,
इसको गवा मत देना, बड़ी मुश्किल से नर तन मिलत है, ये गवाने के काबिल नहीं, बड़ी मुश्किल से। आज तो अच्छा दे दिया मेरे परमात्मा ने, अभी तो ये शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अच्छा दे दिया। यदि हमने अच्छा कर्म करा तो अच्छा मिलेगा, अगली बार वरना अच्छा कैसे देगा। मिलेगा कैसे? एक प्रसंग हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी के यहाँ कथा थी, गए देखा, उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया, पूरा घर पूरा मकान। गुरुजी ये मेरे बड़े बहू का कमरा है, बड़े बेटे का कमरा, हमने बहुत जोरदार बना, बहुत बढ़िया। गुरुजी ये मेरे छोटे लड़के का कमरा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी ये हॉल, ये किचन, बहुत रसोई घर, ये हमने बहुत अच्छा। गुरुजी इधर आओ, इधर उधर घर, ये हमारे यहाँ की बाथरूम है। तो हमने आशीष से कहा ये दिखाना जरूरी थी का? अब तुमने घर दिखा दिया तो बाथरूम दिखाने, देखो तो इसके नल देखो, इसका सिस्टम देखो, इसका ऐसा देखो वैसा देखो, हमने ठीक है। अब वो बाथरूम देख रहे थे, देखते देखते जब गीजर लगा था, गीजर के पास में एक छिपकली चिपकी हुई थी, हमने छिपकली को देखा और हंस दिया। तो हमारा जो जजमान थे सेठ जी वो कहने लगे, गुरु जी आप छिपकली को देख कर क्यों हंसे? हमने कहा बस हंसी आ गई। गुरु जी एक बात समझ में नहीं आती, हमने छिपकली को दो चार बार भगा दिया, फिर आती है और गीजर के पास चिपक जाती है। एक बात समझ में नहीं आती, ये छिपकली जाती क्यों नहीं है, आखिर कारण क्या है, ये छिपकली जाती क्यों नहीं है? हमने कहा कुछ नहीं, जब गांव में कथा होती थी इससे घर नहीं छूटता था, जिससे घर नहीं छूटा भगवान ने कह दिया अगली बार इसको छिपकली बना के घर में चिपका था। सात दिन कथा चली, शादी में जाना हो तो तैयारी, कहीं जाना हो तो तैयारी, और के कहीं जाऊं तो तैयारी, और मन में आया कैसे कथा में जाऊं, इतनी भीड़ पड़ रही होगी, कुछ भी हो इतनी भीड़ पड़ रही कैसे जाऊं। तो जब नोट बंदी हुई थी और नोट बदले थे तब भी तो भीड़ में जाके बैंक में लाइन लगा के बदले थे, तभी भी तो बदले थे। जब कह देती इतनी भीड़ में नहीं जाऊंगी, दो साल बाद बदल के आऊंगी, और 2022 में बदलने पहुंच जा, तो बैंक वाले भी कह रहे डोकरी अरे ओ अम्मा चल जा यहां से, अब कोई बदला है? बदलने का भी समय होता है, इतने समय से इतने समय तक नोट बदलाएगा। बोले बोले सही है कि गलत है? बोला था ना कि इतनी तारीख तक नोट बदल दिए जाएंगे, उतने समय तक नोट बदलवा लो तो बदलवा लो, वरना बाद में दो साल बाद जाओगे तो तुम्हारा नोट किसी काम का नहीं रहेगा, बाद में ऊख की पुड़िया बना के तंबाकू भर के मलमल के खाता, इससे ज्यादा किसी काम करनी। तो समय दिया कि इस समय पर नोट बदलवा लो, अभी भी मौका है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अभी भी मौका है, बदलवा लो इस मन को, और इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। फिर गए तो गए, ये मौका है, बदल लोगे तो मिल गया, बदले में मिल जाए, इसको बदलो। बाद में 500 का नोट और 1000 का नोट कई काम नहीं आएगा, घर में पड़ा रहेगा, फिर उसको कांच में भी जड़वा के रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, कहीं धरोगे भी तो कोई फायदा नहीं, कब प्रयोग कर लो। प्रयोग
और यदि सही समय पर आपने नोट बदल लिया, सही समय पर आपने बदलाव कर लिया, तो ये निश्चित है कि आपका वो नोट, आपका वो समय काम आ जाएगा। ये निश्चित है, उसके बाद में उसकी कोई महत्वता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन। ओ भोला मगन मेरा शंभु मगन है, मेरा शंभु मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है।
मगन तारे भी मगन है, सूरज 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 मगन तारे भी मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, भोला मगन मेरा शंभु 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 मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। वाले भी दोनों हाथों से सारे बल में क्या बल है,
मेरा भोला मगन, 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 आ रहा भगवान शिव से प्रार्थना। भाव से अपनी जगह बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण और बाबा देवाधिदेव महादेव से तर्पण शिव महापुराण की कथा में भगवान से प्रार्थना अपने हृदय की बात कहकर करें। महाराज श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। शंकर की उदारता रहनी बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है जब मायके का इतना सारा ठाट, इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते। अब रहनी अपने बच्चों को छोड़कर मायके में चली गई और बच्चे कह रहे हैं मां भूख लगेगी। दो दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूँ, तो नाना का जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य। कल कथा में कहा था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर हजार ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई, क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है। चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब
रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा, जीजी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा, ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, मैं बना देती। रहनी ने भोजन बनाया, इंतजार कर रही है बेटी, बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा, ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए। और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा, जीजी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा, क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलक रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है,
तीन जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है घटता नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी देव सोच समझ कर देव, गौ माता का दान देव या गौ दान देव सोच समझ कर देव, और लक्ष्मी का दान देव तो सोच समझ कर देव कि किसको दे रहे हो, किसको प्रदान कर रहे हो। आप इसको देना चाहते हैं, पकड़ रहा है किसको दे रहे हो वो स्मरण होना चाहिए। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डाल देना जो लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया। लक्ष्मी भी दो तो जैसे बाप अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च करता है, खूब धन लगा देता है, खूब संपदा लगा देता है, और बेटी की शादी में पैसा लगाया, धन लगाया, खूब खर्चा करा लाखों रुपया, और बेटी विवाह कर कर गई, 20 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया है वो लड़का तो मदिरा पीता है, नशा करता है, शराब, रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता, यहां वहां घूमता रहता है, बेटी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, गालियां देता है। अब ससुर ने सम्मान दिया, जब विवाह करा तो नाक का भी दिया, कान का भी दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पांव का दिया, कपड़े दिए, सारे शरीर का सामान जो देना था दिया। उसके बाद में मकान में रखने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग ड्रेसिंग सब दिया, बर्तन भांडे फ्रिज सब दिया, कूलर वूलर सब दिया, पूरा घर भरा गया, पेटी में कपड़े रकम से पेटी भरा गई। बाप अपनी बेटी को सारा सामान दिया, खोप दिया। अब 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़का शराबी है, लड़का बेकार है, सम्मान नहीं करता, गालियां देता है, लाश से मारता है, 2-2 बजे तक नहीं आता, पीकर पड़ा रहता है। तो 1 महीने बाद वो जमाई जब घर में आया तो अब ससुर 1 रुपया भी देगा उसको? अरे बोलो तो जम के जरा, देगा उसको ऐसे जमाई को? ऐसे जमाई को ससुर कभी 1 रुपया नहीं देगा जो अपनी बेटी का सम्मान ना करता हो, जो बेटी का आदर नहीं करता हो। बेटी को भले दे देगा पर जमाई को 1 रुपया नहीं देगा, भले उसने लाखों रुपए शादी में लगाए हो, भले करोड़ों रुपए लगाए हो, भले कुछ भी दिया हो, पर अब संभल गया ससुर, 1 रुपया भी नहीं देता है। उसी तरह परमात्मा एक बार मनुष्य का शरीर देता है, नाक, आंख, कान, गला, मुंह, घर परिवार साफ दिया उसने, और इसको अगर सही जगह नहीं लगाया, सही से नहीं रखा, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अगली बार वो ससुर देगा तुमको, जन्म देगा। एक बार अगर मनुष्य की देह दी है, एक बार मानव का शरीर दिया है, एक बार परमात्मा ने ये मानव का शरीर 84 लाख
83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसकी 21,600 श्वास रोज निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। इतना विशालतम शरीर दिया केवल भजन करने के लिए, इतना आत्मा परमात्मा देकर भेजा करा, उसके बाद भी ये शरीर सही जगह पर नहीं गया, ये आत्मा सही जगह पर नहीं गई। तो अगली बार तुम जाओ तो शरीर, अगली बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, कहेगा इसने अपनी बेटी का सम्मान नहीं करा, आत्मा का सम्मान नहीं करा, शरीर का सम्मान नहीं करा, इसलिए इसको अब नहीं देना। पहले गलती हो गई, अब आप इसको नहीं छोड़, जाओ। कौन देगा? कुछ मत करो मेरी बहनों, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से। एक पत्र आया है, देखिए, उस पत्र में एक लड़के ने, एक बालक ने लिखा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता था, मेरी मम्मी भी मुझको कहती थी तो मैं मंदिर नहीं जाता था। उसने अपना फोटो भी लगाया। कहा जाता था तो मंदिर नहीं जाता था, बोलते थे तो मंदिर नहीं जाता था, पर मेरी मम्मी ने कहा तेरी पढ़ाई कर रहा है और तेरे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे, मुझे नहीं लगता कि तू पास होगा, और पढ़ता भी नहीं था। फिर उसने विचार करा तो क्या करूं, माने का एक लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाना चालू कर, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर, तू लिख कर आया कि नहीं आया, परीक्षा तू देना, रिजल्ट वो बनाएगा, उसके हाथ में है। और उसने अपना फोटो तक लगा कर भेजा है, मैं अंकित गोलू खटीक, मैं अंकित गोलू खटीक आरोना जिला गुना एमपी से आया हूं, कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, जिनने पत्र भेजा हो या उसके परिवार का कोई हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अंकित गोलू खटीक, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरोना जिला गुना, गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा बीएससी फाइनल का एग्जाम था, पढ़ाई हो नहीं पाई, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पढ़ाई हो नहीं पाई, विश्वास था नहीं, पर मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझसे कहा एग्जाम देने जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम दे और शहद वाला प्रयोग कर कर जा बेलपत्री पर। मैंने वही प्रयोग करना प्रारंभ करा, गुरुदेव मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि क्या मैं वर्णन करूं, पर मैंने बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर, शहद का प्रयोग कर कर परीक्षा देकर आ गया, तो भी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा रिजल्ट आया और पास इन फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूं, बाबा को धोख लगाने के लिए गुना से आया हूं। ये शिव अपना फोटो भी लगाया है बालक ने और मार्कशीट भी लगाया है बालक ने कि ये शिव है, और मेरा विश्वास इतना जाग गया गुरुदेव कि मैं मंदिर तक स्मरण नहीं कर पाता था, पर अब मेरा मन मंदिर के बिना नहीं रह पाता। आपसे भी निवेदन है, आप चित्त अपनी वृत्ति अपना मन एक क्षण के लिए उस भगवान के पास जाकर जरूर बैठो, उससे एक निवेदन जरूर करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। उसको निवेदन कर सकते हो, उससे प्रार्थना कर सकते हो, उससे बोल सकते हो, अब कहो उससे। बैठी है श्री शिवाय नमस्ते, शिव शंकर की कृपा। मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन,
जगदम्बाओं से, भेरियों से, सबसे आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर, घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में एक रुपया डालो, अठन्नी लोटे का किराया, अठन्नी जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भर कर लेकर जाओ। घर से भर कर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में तीन दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन तीन दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन करे। अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा जल छीट दो, एक बेलपत्री। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर के पास जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शिव का मंदिर हो, आपके घर के पास जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल प्रेम से, हृदय से, सारे परिवार वालों को बोलो लेकर जाओ। पड़ोसी हंसे, दुनिया वाले हंसे, हंसने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्या बोला, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, अपने जीवन का आनंद अपने को लेना। दुनिया के लोगों को कभी संतुष्ट करने का विचार मत करना, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर घूमने निकले, दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर देखा और चिल्ला कर का बताओ शर्म नहीं आ रही, एक नंदी और इतने दोनों चढ़ के जा रहे, विचार नंदी के प्राण लेंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। पार्वती बोली, नहीं नहीं स्वामी, आप बैठ के चलो। शंकर भगवान नंदी पे बैठ के चले, पार्वती पैदल चली तो दूसरा व्यक्ति मिल गया, उसने कहा बताओ इसकी मति तो देखो कहाँ चली गई, खुद नंदी पर बैठ के जा रहा है, बिचारी पत्नी को देखो बिचारा आपको पैदल लेके जा रहा। शिव जी को बड़ा बुरा लगा, शंकर जी ने कहा पार्वती अब तू बैठ जा। भगवान ने पार्वती को बिठा दिया, शंकर जी नंदी पकड़ कर चले, नंदी को लेकर पैदल पैदल चले, तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बताओ जोरू का गुलाम, बता, पत्नी को बिठा लिया, खुद पैदल चल रहा। पार्वती जी बोली अब मुझे भी नहीं बैठना, दोनों पैदल चले, नंदी खाली जा रहा था। चौथा व्यक्ति मिल गया, बताओ इनमें अकल ही नहीं है, जब नंदी साथ में है तो बैठ के जाने में क्या जाता था। ये दुनिया के लोग हैं महाराज, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने वाला व्यक्ति कहता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहो। जितनी पतंग जितनी ऊंची जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है, नाम जितना ऊपर जाता है गिराने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊपर जाएगी, आसपास की छत वाले तैयारी में बैठे हैं, जानते भी जानते जानते और जानते और जानते, और इन्होंने फिर मांझा घिसा और घिस के अपनी पत्नी से कहा तू तो रील पकड़ने में काटू, अभी काटू, और पता लगे कि का भी मांझा कोई कमजोर नहीं था, ये भी शंकर के मंदिर में घिस कर लेकर आया था, इसलिए ऊपर पड़ गया, कोई साधारण काट। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी
पतंग ऊंची राख शंभु अपने चरण कमल मेरा उड़े उड़े कौन काट बड़े रहनी ने विचार करा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रो रही है, आंख से आंसू निकल रहा है, बच्चे माँ की गोद में आकर बैठ गए। माँ कुछ खाने का दे दे। माँ ने कहा एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ। और रहनी पड़ोसी के यहाँ गई, पड़ोसी के यहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़, मेरे बच्चे भूखे क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? बहुत समझने की कथा है श्राद्ध की। खाए हुए व्यक्ति को खूब खिला दो, तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। भूखे व्यक्ति को खिलाओगे तो वो चार जगह जाकर कहेगा कि साहब हम वहां गए थे, उनने हमको खिलाया था, खिलाया था। हम वहां गए थे, रुके सात दिन अशोक नगर में कथा सुनी, वहां के सांसद महोदय ने व्यवस्था करवाई खूब प्रेम से व्यवस्था। तो ये जिंदगी भर व्यक्ति याद आता, जिंदगी भर खाए हुए को खिला दो। एक पैसे वाला व्यक्ति, उसका एक लड़का, उसके यहां वो शादी में खर्चा नहीं करे तो लोग कहके जाएंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, ये की छोरा शादी भी अच्छी नहीं करी। और पैसे वाला व्यक्ति अपना एक छोरा और उसकी शादी में बहुत खर्चा करे तो दुनिया के लोग खाएंगे और कहके जाएंगे, हराम का रहा होगा तो लूटा रहा। दुनिया के लोग हैं, कहे बिगड़ नहीं रह सकते। इसलिए क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। जितना लोग अपशब्द के उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के गजरा बजरा लगा के फिर चलो और आग लगाओ और जा जलो तो जलो। मीरा भाई भी थी, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें कई करना उस मस्त जिंदगी जियो, खूब मस्त, खूब मस्त। कहे कहने वाला कहता रहे, आप अपनी मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए, खूब मस्त होकर खूब आनंद लेकर अपने जीवन को जियो। ये दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। मिल भी गया तो शिव महापुराण मिलने वाली नहीं, बहुत कठिन। रहनी रो रही है, पड़ोसी क्या गई, मुझे थोड़ा सा भोजन। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध में भोजन किसको कराना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको बहुत भूख लगी हो, जीवन में उसने ना पूड़ी देखी ना खीर देखी, बिलक रहा है भूख से, उसको भोजन करा दो तो हमारे पितरों को तृप्ति हो जाती है। तृप्त हो, पितरों की तृप्ति वही है। हमने सालासर जी की कथा में कहा था तर्पण शिव महापुराण की कथा अशोक नगर में हो रही है, और जितने लोग कथा सुन रहे हैं अपने अपने पूर्वजों के लिए अपने अपने अधोगति में, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई गर्भ में मर गया, कोई चार महीने का किसी नारी का गर्भ गिर गया, किसी का छह महीने का गिर गया, किसी का बच्चा बड़ा होकर जन्म लेकर हम प्राण छूट गए, कोई कोरोना में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जितने जितने दूर तक इस शिव महापुराण के शब्द को पहुंचाया जा रहा है, ये निश्चित है आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करे ना करे, ब्राह्मण भोज करे ना करे, संत भोज करे ना करे, पर आप सात दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी सुनिए और 25 तारीख को कथा पूर्ण होगी। और 25 तारीख को आप सीओर फोन लगाकर पूछना कि 25 तारीख को वहां सुबह से लेकर रात तक जितने भी साधारण से साधारण
भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद सुबह से शाम तक चला कि नहीं चला? आपने जो तर्पण कथा सुनी, आपके पूर्वजों को मुक्तता प्राप्त कराने के लिए वो भोजन भंडारा भी रख दिया, जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो, जीवन की सार्थकता। आप नहीं भी जिमा सके तो वहां जिमेगा, उसको प्राप्त होगा। भोजन किसको कराना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए कराना, जिसको हम भोजन कराएं तो कहां भोजन कराने के लिए ये नहीं, एक सेठ जी थे, बड़े बड़े विचित्र थे, इतना कंजूस। उसकी पत्नी बड़ी तानी थी, और पत्नी ने कहा सुनो अपने दादाजी का श्राद्ध आया है तो पंडित जी को भोजन कराना पड़ेगा। इतने में सेठ जी बोले पंडित जी को भोजन? हाँ, सेठ जी को तो बुखार आ गया, पंडित जी को भोजन श्राद्ध आ गया, क्या करा जाए? तो इतने में सेठ जी बोले तू पंडित जी को नोत कर मत आना, मैं पंडित जी को नोत कराऊंगा। ठीक है, आप नोतिया। सेठानी खुश हो गई कि 55 साल शादी के हो गए, आज तक किसी पंडित को इनने घर में भोजन करने नहीं बुलाया, आज पिताजी के निमित्त पंडित जी को बुलाने गए। पड़ोस के गांव में गए, सेठ जी ने पड़ोस के गांव में जाकर एक पंडित जी का दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ। अंदर से पंडित जी आए, पंडित जी से पूछा महाराज कल श्राद्ध है हमारे दादाजी की। जी महाराज। सेठ जी आप आ जाओगे? हाँ। सेठ जी ने पूछा कितना खाते हो? पंडित जी ने चोटी हिलाई, उन्होंने कहा गजब का मिला रे, पहली बार ऐसा सेठ मिला, आते से पूछा कितना खाते हो। पंडित जी ने बोला दो कटोरा खीर, चार गुलाब जामुन, चार छह रोटी, दो एक सब्जी का भात, बस और कुछ नहीं। सेठ जी ने कहा बिल्कुल मत आना, हाथ जोड़ के निवेदन है तुम हमारे घर आ मत जाना। सेठ जी ने कहा ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है। अब सेठ जी ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचे, वहां एक दुबले से पंडित जी मिले। आप पंडित हो? हाँ। बहुत दुबले से, एकदम दुबले दुबले से। आप पंडित हो? हाँ। आप हमारे यहाँ भोजन करने आ जाओगे? हाँ। कब? कल। ठीक है, कितना खाते हो? पंडित जी बोले शरीर देख लो, मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, ज्यादा मीठा नहीं खा सकता, तेल घी का ज्यादा नहीं खा सकता, दो रोटी और थोड़ी सी दाल बस बहुत है। तो सेठ जी ने कहा बस तुम आ जा। अब पंडित जी दूसरे दिन भोजन करने जाने लगे। पंडित जी जब भोजन करने चले तो पत्नी को भोजन नहीं बनाना था, रजस्वला धर्म में आ गई। घर में छह बच्चे थे, छह बच्चे बेचारे भूखे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा? तो पत्नी ने अपने पति से कहा पंडित जी अकेले जा रहे हो, इन छह बच्चों को साथ ले जाओ। पंडित जी ने कहा ठीक है, सेठ जी तो दयालु हैं, उनको क्या मालूम था कि ऐसे, वो तो समझे दयालु हैं। जब इतनी दूर मुझे ढूंढते ढूंढते आए हैं तो भोजन कराने में उनका क्या जाएगा? छह बच्चों को ले गए, छह बच्चों को ले गए, पत्नी को दक्षिणा दे गए। सुनो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सेठ जी ने कहा कि जब पंडित जी आए तो उनको दक्षिणा दे देना, भोजन करा देना, पेट भर के खूब खिलाना। पत्नी खुश हो गई, जिंदगी में पहली बार कहा कि खूब खिलाना। अब पंडित जी आए, उनके छह बच्चे आए, जितना घर में भोजन बना था सब वो छह बच्चे पूरा निपटा गए, पूरा। पंडित जी ने कहा सेठानी जी कुछ घर में बचा है थोड़ा बहुत, दो पूड़ी बची है, सब्जी नहीं बची है, वो टिफिन में रख दो, पंडितायन जी को बनाना नहीं है, ले जाओ। वो भी रख के दे दिया, दक्षिणा दे दी। दोपहर में पति आया सेठ जी, सेठ जी ने आवाज लगाई सेठानी को सुनती हो भोजन लाओ। सेठानी बोली एक पूड़ी नहीं बची है घर में। तो क्या पंडित जी तो बहुत कम खाते थे? नहीं बेचारा, पंडित जी ने तो बहुत कम खाया पर उनके साथ में वो छह बच्चे आए थे, छह बच्चे। हाँ, सेठ जी के तो कांटे से खून ने उन्हें उठाया डंडा, और डंडा उठा के सीधे पंडित जी के यहाँ गए। और जैसे ही पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी की पत्नी कह रही क्यों कांप रहे हो तुम, थर 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 कांप रहे हो? पंडित जी बोले वो सेठ जी बहुत कंजूस था, वो आएगा भी मेरे को मार के जाएगा। पत्नी बोली तुम्हें तो अक्कल नहीं रखती भर की, जितने पंडित होते हैं इनकी पंडितायन बहुत चतुर होती है, तुम में रखती भर की अक्ल नहीं है।
एक काम करो आनंद सेठ जी को, तुम बस सामने पलंग डला है ना खटिया, इस पलंग पर, इस पलंग पर तुम सो जाओ और चद्दर ओढ़ के सो जाओ, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और जैसे ही सेठ जी आए दरवाजा बजाया और पंडित जी ने चद्दर ओढ़ कर सो गए, इतने में सेठानी ने जाके दरवाजा खोला, रोती रोती गई, आग लग जाए बस सेठ को, ना जाने क्या खवा दिया, खा के आते से मेरा पति निपट गया, पति मर गया, अब तो मैं राजा के पास जाऊंगी, इसको जेल में पटकवाऊंगी और इसको ऐसी सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, पंडित आया जी हाथ जोड़ो, ये 20,000 धर लो, किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, तू ही था। पंडित आए ने गरबान पकड़ी सेठ जी, सेठ जी बोले 10,000 और दे देता, हाथ चुपचाप सेठ जी निकल के चले गए। पंडित आए ने पंडित जी से कहा उठ जा, उठ जा। पंडित जी उठ के बैठे, इसलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, महंगा रोए एक बार सस्ता बार बार, ऐसा ढूंढ के मत लाना सस्ता सा कि बार बार रोना पड़े, इसलिए महंगा ढूंढ लो चल जाएगा, एक दो चार रोटी ज्यादा खाता, दो चार पूरी ज्यादा खाता, दो चार गुलाब जामुन ज्यादा खाता, पर पंडित तो दमदार आता ना, पर सस्ता ढूंढाने की कोई नहीं खाए कुछ नहीं। जो जितना बचाने की कोशिश करता है उसका उतना बर्बाद होते चले जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझदारी रहनी। पड़ोसी की आ गई, कुछ भोजन हो तो दे दो। पड़ोसी ने कहा कि भोजन तो था पर अब भी हमने गाय माता को दे दिया, अब भोजन बचा। रहनी रो रही, रहनी की आंख में जल जा रहा, और रहनी रोती रोती आंखों में जल भरी हुई घर पहुंच गई। बच्चे बिलख पड़े, माँ भूख लग लगी, बच्चे बिलख रहे थे। भाई रहु गया जी ने जो पिंड दान कर रहा था, जैसे ही पिंड बनाए, पिंड सारे के साले जितने थे वो काले पड़ गए, उसमें काली तिल भी नहीं डाली तो भी काले पड़ गए। पिंड दान करा, पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण देवता मैंने पिंड दान करा पर ये पिंड जो बनाए गए हैं ये सारे के सारे काले पड़ गए हैं, इन पिंड का काला पड़ना क्या कारण, ये पिंड काले क्यों पड़ गए? क्या कारण है कि पिंड काले हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब घर में सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, सब परिवार के लोग भोजन कर रहे हो और घर के भांजा भांजी के नैनों में भूख के कारण जल होता है, तब ये पिंड काले पड़ जाते हैं, तब ये पिंड काले पड़ते हैं। हमको लगता है आपके भांजा भांजी भूख से बिलख रहे होंगे। रहु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। रहु बोले ये नहीं हो सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी को कहकर आया हूं कि अगर ब्राह्मण भोजन करने ना आए तो मेरी बहन को भोजन करने बुलाना, भांजा भांजी को भोजन करने बुलाना, तो ये हो नहीं सकता कि भांजा भांजी भूखे हो। आप पता करना, पिंड काला जभी पड़ता है जब भांजा भांजी भोजन नहीं करे हो और भूखे बैठे। महाराज शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, अगर आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने आए हैं और अगर घर में बहन बेटियां हैं, भांजा भांजी हैं, तो इंतजार मत करना कि ब्राह्मण उठेंगे इसके बाद हम भांजा भांजी को भोजन देंगे। आप तो ब्राह्मण के साथ भांजा भांजी को भी भोजन करने बिठा सकते हो या पहले भी जिमा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं।
क्या भांजा भांजी अगर भोजन करे तो उसमें दोष तो नहीं, आप जिमाओ प्रेमवश। यहाँ पर भांजा भांजी को बुलाते कि नहीं बुलाते, बोलो तो सही। जरा अशोक नगर वाले बुलाते हैं नहीं बुलाते, और खुद ही खा जाते हैं कि बुलाते बुलाते। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। और जिसके यहां भांजा भांजी को नहीं बुलाए तो कल पत्र में लिख के भेज देना, मैं नाम यहां से बोल दूंगा, ठीक है। ये ऐसे मामा भी हैं जो ना बुलाए, ठीक है, बुलाना चाहिए। रहनी के बच्चे भूखे बिलख रहे, रहू को रहा नहीं गया, गया जी का पिंड कर कर रहू सीधे घर पहुंचा। घर में जाकर पत्नी से पूछा, क्यों मेरी बहन आई थी? हाँ, ना मानो तो पूछ लो सभी से, बहन आई थी कि नहीं आई थी? सबने कह दिया आई थी, रहनी आई थी। हाँ, तो इसको लगा कि रहनी आई थी तो बच्चे भी आए होंगे, इसने नहीं पूछा। घर गया बहन को, दीदी ओ दीदी। हाँ भैया, वीरा क्या हो गया? दीदी जिस दिन मैं पिंडदान करने के लिए गया था, जिस दिन मैंने पिंड दिया, उस दिन तेरे बच्चे क्या भूखे थे बहन? क्या तेरे बच्चे भूखे थे? रहनी भाई के गले लगकर रो पड़ी, भैया केवल बच्चे ही नहीं तेरी बहन भी तेरे दरवाजे से भूखी आई। आंखों में जल भर आ गया कि चिंता मत कर बहन, मेरे माता पिता और इन भांजा भांजी के नाना नानी का श्राद्ध अब इस घर में करना। मैं विश्वास से कहता हूं बहन कि पितृदेव कृपा जरूर करेंगे। कर भैया, भोजन होता तो मैं अपने बच्चों को ना करा देती, तो क्यों चिंता करता? कल मैं भोजन भेजूंगा, तू श्राद्ध की तैयारी कर। तैयारी श्राद्ध की? भाई ने एक बैलगाड़ी में सामान भरवाया, भेजने लगे। जैसे ही बैलगाड़ी में सामान भरकर भेजा, पत्नी ने पूछ लिया, इतना सारा आटा चावल शक्कर घी कहां जा रहा है? पति ने कह दिया, सारा की सारा मायके वालों को थोड़ा सा घाटा लग गया तुम्हारे, तो उनके यहां भेजा जा रहा है। अब मायके वालों का कहकर वो सामान सारा की सारा भेज दिया बहन के घर में। बहन के घर में सामग्री तो पहुंच गई, पिंड की श्राद्ध की तैयारी हो गई, भोजन करने के लिए ब्राह्मण संत साधु भी आ गए, भोजन किया। जब आखिरी का दिन था, अमावस्या का दिन, आर्यमा स्वामी जब पितरों को लेने के लिए आए, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि पितरों के देवता आर्यमा जो कौए पर बैठते हैं, और कौए पर बैठकर 16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है, तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते, इनको लेकर उस दिन वापिस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितर पितृलोक छोड़कर चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहते, भ्रमण करते रहते। और जब अमावस्या का दिन होता है, श्राद्ध पूरा हो रहा है, अमावस्या का दिन है, शाम का समय, जो
जैसे अशोक नगर है, गुना है, शिवपुरी है, सीहोर है, भोपाल है, या आसपास के जितने गांव हैं, शहर हैं, इनके पास में जो नदी होती है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, जो बावड़ी होती है, सारे पितर एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी तालाब बावड़ी कुएं के पास इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी तालाब कुआं नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि न करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने स्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया, पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्र लोक होते हुए पितृ लोक जाते हैं, तो जो दिया जलाता है उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है, तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी भी बीमारी हो रही होती है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है।